आप देख रहे हैं ये पागल धर्मशाला के पागल बाबा धर्मशाला के सामने हर बार मुस्लिम मिस्टेक हो जाती है सामने है। कहा जाता है कि ये जो तालाब है, जब राम जी की बारात आई थी तो यह तालाब जनक जी ने दशरथ जी को नहाने के लिए दिया था। और इसके पास में ये जो महल दिख रहा है, ये जस्ट सामने वाइट कलर का ये जो महल है, इसमें वो लोग रुके थे, ये उन्हें रुकने के लिए दिया गया था। ऐसे यहाँ पर तीन तालाब हैं, तीनों की अलग अलग जो भी महत्व हैं वो अब कोशिश करूँगी मैं आपको बताने की। और अभी जो है, अभी हम धर्मशाला में ही हैं तो ये जस्ट सामने ही है, अभी हम निकलते हैं, फिर मैं आपको पूरा जनकपुरी में जितने भी, मिथिला में जितने भी मंदिर और ऐसे जो भी हैं वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब हम लोग निकल रहे हैं सारे मंदिर घूमने के लिए। ये पीछे सब लोग खड़े हैं, ये देखिए इधर सब लोग खड़े हुए हैं, अभी हम निकलते हैं। और वैसे यहाँ जो धर्मशाला है इससे थोड़ी ही दूरी पे, 10 मिनट की दूरी पर ही है सारे मंदिर, तो हम लोग पैदल ही जाएंगे और वहाँ पे भी पैदल घूम सकते हैं। इसकी महत्वता है मेरे को नहीं पता है। यहाँ पर तीन है ऐसे ताला, एक मैंने आपको पहले दिखा दिया, ये दूसरा है। वैसे यहाँ पे पैदल घूमने के लिए बेस्ट है, शाम को घूमिए सारे मंदिर, सिटी काफ़ी अच्छा लगता है। जनकपुरी का महल, राजा जनक इसी महल में रहते थे, सीता माता जो थी वो यहीं पली बड़ी थी, ये वही महल है। और इसके पास से ही यहाँ पर ये विवाह का मंडप है, तो पहले हम मंडप देखने के लिए जाएंगे, जिसका टिकट है ये 7 रुपये का, 7 रुपये का टिकट है मंडप में घूमने के लिए। पहले यहाँ जाएंगे, उसके बाद महल दिखाऊंगी मैं आपको। ये है वो मंडप, और यहाँ पर हुई थी श्री राम और माता जानकी की शादी। ये देखिए सब लोग जा रहे हैं, अभी अंदर भी देखते हैं अंदर कैसा है। ये देखिए सब लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं, मैं ही पीछे रह जाती हूँ बस हर बार। तो इस जगह पर हुई थी श्री राम जी और जानकी जी की शादी। तो ये देखिए कांच के बाहर से वीडियो बना सकते हैं पर अंदर नहीं बना सकते हैं। तो ये देखिए इधर ये चारों भाई बैठे हुए हैं, ऐसा ऐसा बताया गया। और ये सारे जो खम्भाओं पर हैं, जितने भी देवी देवता जिनके इनके विवाह में आए थे वो सब लगाए गए हैं। चारों साइड से घूम के मैं दिखाती हूँ, ये देखिए मेन गेट से वीडियो नहीं बना सकते, बस ऐसे बना सकते हैं, तो इसी में आप लोग देख लीजिए। और चारों के अलग अलग मंडप भी हैं साइडों में, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। ये देखिए ये बैठे हुए हैं, देखिए होगा आपने। अब मैं आपको और सारे मंडप दिखाती हूँ, चारों भाइयों के चार अलग अलग हैं, ये मेन मंडप है। तो ये देखिए ये जो है सबसे सामने जो बैठे हुए हैं, ये है राम जानकी, सबसे बेस्ट जोड़ी वर्ल्ड की मानी जाती है, जो कि मैं आपको दिखा दिया। ये अलग अलग हैं, ये सबसे पहला है राम जानकी का मंडप, ये अंदर राम जानकी बैठे हुए हैं। ये है भरत जी और मांडवी माता का मंडप, ये देखिए अंदर दोनों विराजमान हैं, बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं हैं यहाँ पर। ये देखिए ये है लक्ष्मण जी और उर्मिला जी का विवाह मंडप, लक्ष्मण जी जो कि हमेशा राम जी के साथ रहते थे। तो ये देखिए दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, सामने विराजमान है ये लक्ष्मण जी हैं, ये उर्मिला माता हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो ये है शत्रुघ्न और सुकीर्ति माता का मंडप, ये देखिए दोनों की प्रतिमा अंदर विराजमान है, मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर बनाई हैं। ये देखिए चारों भाइयों के मंडप थे, मंडप के आसपास में ऐसा बगीचा है, पूरा महल बहुत ही लंबी जगह में घूमा हुआ है, ये पूरा महल है पूरा, बहुत सारी जगह में फैला हुआ है, अभी और भी जगहें हैं, चलते हैं। ये देखिए ये है पूरा मंडप, ये साइडों में और उनके मंडप हैं, और ये आसपास में गार्डन टाइप का है। अब ये कौन सा मंदिर है कुछ पता नहीं है, यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ है, तो आप ऐसे ही देख लीजिए, चरण है और इसमें ये देखिए। तो इसमें है सारे 12 ज्योतिर्लिंग इस मंदिर में, ये सब महल के आसपास में ही है ये सारे मंदिर, नाम लिखा हुआ है नीचे आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा।
मंडप के आसपास के एरिए में जो भी मंदिर थे वो सब एंड हो चुके हैं। अब हम मंदिर की साइड चलते हैं महल में और देखते हैं वहाँ कौन कौन से स्थान हैं। अगर वहाँ पे नाम लिखे होंगे तो मैं बोल के बता दूंगी, वरना आप लोग ऐसे ही देख लीजिएगा क्योंकि मुझे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये था वो मंडप जिसमें श्री राम जी की शादी हुई थी, जनकपुरी में सबसे फेमस एक ये और महल है। तो अभी हम महल देखेंगे क्योंकि एक क्लिप में सारा कुछ डालने से देखने में भी बोरिंग हो जाता है और एडिटिंग करने में भी बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए आधा आधा कर दिया है इस बार हमने। तो वीडियो एंड तक देखिए आप और आगे की वीडियो भी देखिए। अब आगे हम जाएंगे माता जानकी के महल में। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नेक्स्ट ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा।